हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयरों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट को झटका लगा है। हालांकि अमरीकी एस्टेट मैनेजर पाइन ब्रिज इसे खरीदारी के मौके के तौर पर देख रही है, खास बात ये है कि इसके फंड में पहले भारतीय स्टॉक्स नहीं थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अडानी स्टॉक्स पर विदेशी फंड बुलिश है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की काफी पिटाई हुई। इस पिटाई के बाद लगा कि बड़े फंड हाउस भी इन स्टॉक्स में और बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन अब अमरीकी फंड मैनेजर ने जो करीब 1780 करोड़ डॉलर का फंड मैनेज करते हैं एक अच्छा मौका देख रहे हैं। अमरीकी फंड पाइन ब्रिज के पास पहले अडानी के शेयर नहीं थे, लेकिन अब इस फंड ने खरीदारी शुरू कर दी है। हालांकि फंड का कहना है कि अडानी ग्रुप पर संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं। अमरीकी फंड पाइन ब्रिज को लगता है कि अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स कम भाव पर आ गए हैं और इस समय स्टॉक्स में वैल्यू है। फंड के मैनेजर केली का कहना है कि भारत की स्टोरी बुलिश है क्योंकि भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेक्टर में काफी सुधार किए हैं। इसके अलावा भारत में इंफ्रा का काम भी तेजी से हो रहा है। अमरीकी फंड पाइन ब्रिज भारत ही नहीं चीन के शेयर बाजार में भी निवेश कर रहा है, लेकिन चीन को लेकर नजरिया सिर्फ एक साल का है, क्योंकि चीन में अगर शी जिनपिंग एक साल अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं तो इससे शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत को लेकर माइकल केली का कहना है कि भारत में अगले 3-4 साल कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि चीन की शेयर मार्केट कोरोना के बाद काफी गिर गई थी। पिछले 3-4 महीनों में चीन के शेयर बाजार में काफी तेजी आई है, इसीलिए विदेशी फंड काफी बड़ी क्वांटिटी में निवेश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।